जी हाँ दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके एक से ज्यादा अगर बैंक अकाउंट हैं तो आपको क्या नुकसान हो सकता है या आपको क्या फायदा हो सकता है। अगर आपने भी एक से ज्यादा बैंक्स में अपने अलग अलग अकाउंट खुलवाए हुए हैं तो उनके आपको कई सारे प्रोस एंड कॉन्स हैं जो आपको जरूर जानने चाहिए। आइए आपको बताते हैं पूरी बड़ी खबर विस्तार से। एक से ज्यादा बैंक अकाउंट है आपको तो सावधान हो जाने की जरूरत है क्योंकि आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। असल में हम में से कई लोग ऐसे बैंक अकाउंट खुलवा कर रख देते हैं जिन्हें अक्सर हम इस्तेमाल नहीं करते हैं और रेगुलर यूजेज बैंक अकाउंट्स होते हैं उन्हीं को हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और जरूरी बातें हैं जो आपको जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। दरअसल दोस्तों, मल्टीपल बैंक अकाउंट्स के कई सारे नुकसान हैं, जिनमें से एक नुकसान तो कॉमन जो आपको पता ही होगा, मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है हमें। मान लीजिए कि आपने 10-10 हजार के मिनिमम बैलेंस वाले चार बैंक अकाउंट खुलवा रखे तो ऐसे में 40 हजार रुपए मंथली तो आपके इसी में इन्वेस्ट रहेंगे जिनका आपको कोई नन ऑफ रिटर्न इन्वेस्ट मिलेगा सिवाय बैंक इंटरेस्ट के, ठीक है। अब इसमें एक और बहुत ही बड़ा इश्यू आता है जो भी आपको जरूर जानना चाहिए। एक्सपर्ट ये बताते हैं कि अगर आप कोई बैंक खाता बंद करते हैं तो उससे जुड़े सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को आपको डीलिंक करना होगा क्योंकि बैंक खाते से निवेश, लोन, ट्रेडिंग, क्रेडिट कार्ड पेमेंट और बीमे से जुड़े पेमेंट लिंक होते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि आप अपने खाते को बंद कैसे करा सकते हैं और एक से ज्यादा बैंक अकाउंट होने का इसके अलावा और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। चाहे दोस्तों किसी भी प्राइवेट बैंक में हो या सरकारी बैंक में हो, जैसे SBI, PNB, केनरा बैंक, HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, यस बैंक वगैरह वगैरह, किसी भी बैंक में अगर आपके मल्टीपल अकाउंट्स हैं देन आपको ध्यान रखना चाहिए और ये वीडियो एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। मौजूदा समय में अक्सर लोग जल्दी जल्दी नौकरी बदलते हैं और ऐसे में हर संस्थान अपने लिहाज से सैलरी खाता खुलवाता है, राइट। तो पिछले कंपनी वाला खाता लगभग निष्क्रिय हो जाता है। मान लीजिए कि आपने अपनी प्राइवेट जॉब को कहीं चेंज किया, किसी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर आप दूसरी संस्था में काम करने लग गए तो वो संस्था आपका सैलरी अकाउंट खुलाएगी। ऐसे सिचुएशन में आपका पिछली संस्था वाला जो सैलरी अकाउंट था वो ऑटोमेटिकली लगभग निष्क्रिय यानी डीएक्टिवेट हो जाता है। किसी भी सैलरी खाते में यदि 3 महीने तक सैलरी नहीं आती है तो वो अपने आप सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। अब आपके ऊपर सेविंग अकाउंट के रूल्स फॉलो होंगे, यानी सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस जो रिक्वायर्ड होगा वो रिक्वायर्ड होगा उसमें भी वगैरह वगैरह। तो ऐसे में सेविंग खाते में बदलते ही उस खाते के लिए बैंक के नियम भी बदल जाते हैं और इन्हीं नियमों के मुताबिक खाते में मिनिमम राशि भी रखनी होती है और अगर आप ये रकम नहीं रखते तो बैंक आपसे पेनल्टी भी वसूलते हैं और खाते से पैसे कट जाते हैं। आपने दोस्तों कई बार ऐसी खबरें भी देखी होगी कि भारतीय स्टेट बैंक ने सिर्फ और सिर्फ मिनिमम बैलेंस की पेनल्टी से ये 500 करोड़ रुपए भी सालाना कमा लेते हैं। जरा सोचिए दोस्तों। तो ऐसे में दोस्तों आपको भी सावधान रहने की जरूरत है और ध्यान रखने वाली बात है। इसके अलावा कई बैंक खाता होने से इनकम टैक्स भरते समय भी आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने हर बैंक खाते से जुड़ी जानकारी भी उसमें देनी पड़ती है, साथ ही सभी खाते की स्टेटमेंट भी अलग अलग आपको प्रिंट करके लगवाना पड़ता है जो माथा पच्ची वाला काम हो जाता है। इसके अलावा निष्क्रिय खाते का ठीक से इस्तेमाल न करने पर आपको पैसों का नुकसान भी हो सकता है। मान लीजिए कि दोस्तों आपके पास चार बैंक खाते हैं जिनमें मिनिमम बैलेंस 10,000 रुपए रिक्वायर्ड है तो इस पर आपको 4% की दर से सालाना ब्याज मिलता है और इस हिसाब से आपको लगभग 1600 रुपए का ब्याज मिलेगा। अब आप सभी खातों को बंद कर इसी रकम को म्यूचुअल फंड में अगर निवेश करते हैं तो यहाँ आपको कम से कम 10-8% तक रिटर्न मिल सकता है। तो सीधा डबल फायदा यहाँ पर, उधर डबल नुकसान हो रहा है आपको। इसके अलावा अगर आप खाता बंद करना चाहते हैं दोस्तों तो आप श्योरली अकाउंट क्लोजर फॉर्म भरें। खाता बंद करते वक्त आपको डीलिंकिंग खाता फॉर्म भरना पड़ता है जिससे आपके बैंक खाते से रिलेटेड जितने भी आपके KYC वगैरह डॉक्यूमेंट्स हैं उनको बैंक आपके अकाउंट से डीलिंक कर देता है। क्लोजर फॉर्म भरना होता है आपको, ठीक है। आपको इस फॉर्म में खाता बंद करने की वजह बतानी होगी। अगर आपका खाता ज्वाइंट अकाउंट है तो आप फॉर्म पर सभी खाताधारकों का हस्ताक्षर करना भी जरूरी है और आपको एक दूसरा फॉर्म भी भरना होगा जिसमें आपको उस खाते की जानकारी देनी होगी जिसमें आप बंद होने वाले अकाउंट में बचा पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं और खाता बंद कराने के लिए आपको बैंक की शाखा में खुद जाना पड़ेगा। अब एक अकाउंट क्लोजर चार्ज होता है वो कितना दोस्तों, तो खाता खोलने के 14 दिन के अंदर उसे बंद कराने पर बैंक किसी भी तरह का चार्ज नहीं वसूलते हैं। लेकिन अगर आप खाता खोलने के 14 दिन बाद से लेकर 1 साल पूरा होने के पहले उसे बंद कराते तो आपको खाता क्लोजर चार्ज देना पड़ सकता है। आमतौर पर 1 साल से ज्यादा पुराने खाते को बंद कराने पर कोई क्लोजिंग चार्ज नहीं लिया जाता। इसको लेकर क्या दस्तावेज देने होंगे आपको, तो बैंक आपसे इस्तेमाल नहीं की गई चेकबुक और डेबिट कार्ड बैंक क्लोजर फॉर्म के साथ जमा कराने के लिए कहेगा। श्योरली है उनके आइटम है तो उनको जमा कराने हैं। अच्छा, इसके अलावा अकाउंट में पैसा पड़ा हो तो खाते में पड़े पैसे का भुगतान सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपए तक ही हो सकता है। आपके पास इस पैसे को अपने दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने का विकल्प होता है और इसके अलावा अगर आपके खाते में ज्यादा पैसा जमा तो क्लोजर प्रोसेस शुरू करने से पहले आप उसे दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर लीजिएगा। अकाउंट का अंतिम स्टेटमेंट अपने पास रखें जिसमें खाता क्लोजर का जिक्र होना चाहिए। तो ये कुछ मल्टीपल बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए महत्वपूर्ण बातें थी, उम्मीद आपको जरूर जानने मिली होगी। वैसे दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको सबसे अच्छी सर्विस किस बैंक की लगती है। सरकारी बैंकों में भी हो गए और प्राइवेट बैंकों में भी हो गए, सबसे अच्छी फैसिलिटीज आपको कौन से बैंक में देखने को मिली, आपका अनुभव साझा कीजिए इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और साथ ही अगर आप DLS न्यूज पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।